हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रेड फोर्ट यानी लाल किला के बारे में 10 अमेजिंग पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में स्थित लाल किला यहाँ के सबसे प्रमुख पर्यटकों स्थलों में से एक है। समय की कटौती पर खरा उतरने वाला यह स्मारक हर बार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पूरे साल देश विदेश से पर्यटकों का यहाँ जमावटा लगा रहता है। सन 1947 में प्रधानमंत्री ने किले में झंडा फहराकर हर साल 15 अगस्त को यहाँ झंडा फहराने की परंपरा शुरू की थी। आज भी हर साल स्वतंत्र दिवस के दिन यहाँ झंडा फहराया जाता है। लाल किला भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आज तक कई ऐतिहासिक गतिविधियों का गवाह रह चुका है और अब तक अपनी भव्यता को बरकरार रखे हुए है। हालांकि ब्रिटिश सरकार द्वारा किले के कई हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया था, पर फिर भी आज़ादी के बाद देश के अधिकारियों किले के बचे भाग को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। चलिए हम आपको लाल किले से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प बातें बताते हैं, जिनकी वजह से आज भी यह किला अपनी भव्यता और जीवंत इतिहास को दर्शाता है। पॉइंट नंबर 1, लाल किला कभी सफ़ेद किला था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि लाल किला शुरुआत में सफ़ेद रंग का था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगठन के किले की दीवार पर चूने की परत चढ़ा हुआ पाया है, जिससे यह पता चलता है कि किले का अंदरी रंग या तो धुंधला हो चुका है या ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे फिर से रंगा गया था। और शायद किले की विशाल दीवार जो लाल बलुई पत्थर से बनाई गई थी, इसलिए किले का नाम लाल किला पड़ा था। पॉइंट नंबर 2, किले का असली नाम। किले का असली नाम लिए मुबारक है। इसे शाही परिवार के सदस्यों द्वारा मुबारक किला भी कहा जाता है। किले का डिजाइन ताजमहल बनवाने वाले आर्किटेक्ट उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद हिलौरी द्वारा तैयार किया गया था। पॉइंट नंबर 3, राजधानी में बदला। लाल किले का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि शाहजहां ने अपना राज्य आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया और सन 1638 में किले के निर्माण को प्रमाणित कर दिया। उस समय दिल्ली के बादशाह शाहजहां कहा जाता था। पॉइंट नंबर 4, लाल किले की वास्तुशैली। इस अष्टकोणीय आकार की रचना को बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा था। 256 एकड़ की ज़मीन पर स्थापित इस किले के अंदर ही कई इमारतें बनी हुई हैं। पुराने सानिमगढ़ किले के 7 परिसर में दीवाने आम, नौबत खाना, रंगमहल, खास महल, दीवाने खास, हिम्माम, मोती मस्जिद, बावली आदि जैसी रचनाएं स्थापित हैं। पॉइंट नंबर 5, किले के 2 प्रवेश द्वार। किले में 2 प्रवेश द्वार हैं, हलौरी गेट और दिल्ली गेट। हलौरी गेट मुख्य द्वार है और इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मुख हलौरी शहर के तरफ है। हर स्वतंत्रता दिवस पर किले के प्राचीर पर झंडा फहराया जाता है। दिल्ली गेट हलौरी गेट की तरह ही दिखता है। इसका इस्तेमाल सार्वजनिक प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, रंग महल और खास महल। रंग महल का निर्माण रानियों और प्रेमिकाओं के लिए किया गया था, जिसके अंदर प्रवेश करने के लिए अनुमति सिर्फ सम्राट और प्रधानों को थी। दिलचस्प बात यह है कि रानियों के कमरे के लिए सम्राट सिर्फ किन्नरों को सुरक्षा कर्मी के तौर पर रखते थे। खास महल में राजा रानियों के साथ खाना खाते और समय बिताने देते थे। इस महल को खास तौर पर इसी कमसद के बनवाया गया था।
पॉइंट नंबर 7, सिंहासन से संबंधित कोहिनूर हीरा। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा बादशाह के सिंहासन में जुड़ा हुआ था। फारसी राजा नासिर शाह ने इसे लूट लिया, जो बाद में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के पास चला गया। आज भी हीरा इंग्लैंड के रॉयल संग्रह का हिस्सा है। पॉइंट नंबर 10, सम्राट अपने घर में कैद। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अंग्रेजी द्वारा लाल किले में लाख कैदी बनाया गया। बाद में उन्हें दीवाने खास में कैदी बनाने की कोशिश की गई और फिर भी रंगून म्यांमार भेज दिया गया था। पॉइंट नंबर 9, किले के अवशेष। लाल किले को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले के कई हिस्सों को ध्वस्त कर दिया और कई कीमती सामानों को बेच चुके थे। किले के खाली कर दिया। इसके बाद किले को बस रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचा था। पॉइंट नंबर 10, विश्व विरासत धरोहर। साल 207 में लाल किले को नीमगढ़ किले के साथ यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। जब लाल किले को भारतीय पुरातत्व संरक्षण संस्थान द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।